तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, गोल लागत नहीं, का हालचाल बा। हमारा नाम है नीकू पांडे, हम बागी बलिया से बने। तो आप सभी को हमारे ददरी मेला के न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आइए चलते हैं मेले के अंदर और मेले के अंदर का नज़ारा आप सबको दिखाएंगे। तो ये देख सकते हैं हमारे बलिया जिला के मेला का, ददरी मेला का फेमस मिठाई जो है ये खाजा है, जो कि सुप्रसिद्ध ये खाजा है ददरी मेला का, जो सभी कोई आता है और ले जाता है अपने घर। तो ये देख सकते हैं झूला चरखिया सभी लग चुकी है और इसी झूला चरखियों के बीच में एक भूत हाउस है, जो कि इसमें भूतों का खेल दिखाया जाता है। जो कि हमको लगता है कि भूत हाउस इस चरखी के साइड नहीं लगता था, दूसरे साइड लगता था, जो कि इस बार इधर लगा हुआ है। तो देख सकते हैं आप लोग मेले में लाइट का नज़ारा बहुत ही अच्छा है, जो कि अब थोड़े देर में रात हो जाएगा और रात होगा तो और भी मज़ा आएगा मेला का देखने में भी, क्योंकि रात में सारा लाइट जगमग जगमग करता है, देख सकते हैं आप लोग। और ये चरखियाँ कुछ अभी रुकी हुई हैं, नहीं चल रही हैं। मेला हमको लगता है कि 3-4 दिन बाद से जमेगा, क्योंकि अभी जमा नहीं है मेला जैसे जमता है हर एक साल। अभी थोड़ा बहुत ही चल रहा है, पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं लगा हुआ है, मतलब फूल जितना लगना चाहिए। तो चलिए आप लोग को हम आगे दिखाते हैं, ये लास्ट है छोर, जो कि मेले का अंत यहीं, इसके आगे थोड़ा सा दुकान है, उसके बाद से यहाँ से दुकानें बंद हो गई हैं। तो देख सकते हैं अभी दुकानें लग रही हैं, यहाँ पे देख सकते हैं अभी ये काठ का जो लकड़ी का सामान बिकता है, ये आप लोग जानते ही हैं, ये अभी लग रहा है, जो कि यही खूबसूरती मेले का बढ़ाता है। बहुत सारे दुकान अभी बाकी है लगने के लिए, देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग अपना अपना सामान गिरा कर रुके हुए हैं, बैठे हुए हैं, अभी लगा रहे हैं अपने दुकानों को सारा। ये हमारे पीछे देख सकते हैं जो ये प्लास्टिक टाइप का बिछा हुआ है, ये अपने जगह को लोग घेरे हुए हैं, क्योंकि उन्हीं जगहों पर इन लोगों का दुकान लगेगा। जो कि ये देख सकते हैं ये प्लास्टिक से जो ढक कर रखा गया है, ये सारी दुकानें हैं जो कि अभी लगनी बाकी है। देखिए दुकानें अभी क्लोज भी हैं, जो कि अंदर ही अंदर सेटअप हो रहा है दुकानों का, ये ओपन होगा जब सारा दुकान लग जाएगा तो। और मेले में इस कदर से शांति है, लग रहा है कि हमारे घर भी उतना शांति नहीं होगा जितना मेला में शांति है। महाराज मेला में इतना शांति होना चाहिए, लेकिन शांति है अभी, क्योंकि अभी तो मेला प्रॉपर तरीके से लगा नहीं है। लगा है लेकिन हमको लगता है 80% लगा हुआ है मेला, 20% अभी बाकी है, जो कि वो भी लग जाएगा 3-4 दिन बाद से। यहाँ पे स्वेटर साल भी सारी दुकानें लग चुकी हैं। और इस बार पहली बार बलिया के ददरी मेला में ये वैष्णो देवी का मंदिर बन रहा है, जो कि यहाँ पे आप लोग वैष्णो माता का भी दर्शन कर सकते हैं इस बार के ददरी मेले में, जो कि काफ़ी खूबसूरत ये मंदिर का डिजाइन हो रहा है। तो जो कि मेला का यहाँ अंत हो रहा है, उसी सामने बन रहा है वैष्णो देवी का मंदिर, ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड के ठीक सामने ही बन रहा है। तो आप लोग इस बार आइए, मेला घूमिए और वैष्णो माता का दर्शन कीजिए। देख सकते हैं अभी मेले का जो सजावट का काम चल रहा है, और मेला आइए घूमने तो 24-25 तारीख के बाद ही आइए, क्योंकि प्रॉपर तरीके से लग जाएगा मेला। अभी मेला में देख सकते हैं कितना खाली खाली है मेला, हम लोग आ गए आज, हम लोग को पता नहीं था कि भीड़ होगा कि नहीं, हम लोग सोचे कि मेला चालू गया, मेला लग रहे हुए 5 दिन हो गया है, जो कि हम लोग 5वें दिन प्रवेश किए मेले के अंदर। तो अभी थोड़ा थोड़ा बाकी हैं दुकानें लगने के लिए, देख सकते हैं ये लोग बिछा कर अपना जगह को कब्जा किए हुए हैं, जहाँ पे दुकान लगाएंगे अपना। और ये है भारतेंदु मंच, जो कि यहाँ पे 24 तारीख को अक्षरा सिंह आ रही हैं, इसी मंच पर आएंगी वो और यहाँ से अपना कार्यक्रम करेंगी। आप लोग 24 तारीख को आइए भारतेंदु मंच के सामने से अक्षरा सिंह का लाजवाब प्रोग्राम का आनंद उठाइए, जो कि देख सकते हैं ये मंच है, सजा हुआ है, प्रति शेड्यूल बना हुआ है, मैं दे दूंगा स्क्रीन पे हर चीज़ का, यहाँ पे कब क्या हो रहा है, प्रतिदिन कुछ ना कुछ इस मंच पे होता है। कल यानी कल कवि सम्मेलन था, तो यहाँ पे देख सकते हैं दुकानें लगी हैं और मेले में लोगों का भी इतना पता नहीं है, लेकिन झूले के साइड थोड़ा लोग हैं। तो देख सकते हैं झूला यहाँ पे एक से एक बढ़कर आया हुआ है, कुछ झूले अभी चालू नहीं हुए हैं, जो कि प्रॉपर चालू होंगे 3-4 दिन बाद ही।
और रात में झूले का एक व्यू गजब का दृश्य बनाता है, जो कि देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये लग रहा है मेला। वाह, यहाँ पे थोड़ा लोग हैं भी, उधर तो कोई नहीं था, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारा झूले, चरखी और बहुत सारे कार्टून जो हैं आए हैं। देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चों के लिए हैं, जो कि इसी पर बच्चे आनंद लेते हैं। और हम सब के लिए तो बड़े बड़े झूले हैं, लेकिन मैं तो किसी झूले पर नहीं चढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है। आज तक मैंने किसी झूले पर नहीं चढ़ा हूँ, बस ब्रेक डांस पर दो बार चढ़ा हूँ। वही थोड़ा हम उसी पर आनंद ले पाते हैं, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है। देख सकते हैं रात हो चुकी है। तो अब हम लोग जाएंगे घर, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा।